सो व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज की जो वीडियो है बहुत ही अनोखे टॉपिक पर रहने वाली है, बिकॉज गाइज आज की जो गाड़ी है स्विफ्ट LXi LDi वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है, एंड टॉप से भी भयंकर लग रही है। गाइज मैं बोलूंगा कि बहुत ही बजट में काम हुआ है। एंड पर्सनली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसी गाड़ियां पसंद होती है जिसमें ज्यादा तड़क भड़क ना हो, ज्यादा काम वाम ना हुआ हो और बहुत सिंपल सुपर लगे। एंड स्विफ्ट माशाल्लाह गाड़ी भी ऐसी है कि बहुत कम मॉडिफिकेशन में सुंदर लग जाती है अगर सब सही से कर रखा हो तो। तो गाइज आज की जो वीडियो कुछ इसी टॉपिक पर रहने वाली है, तो मेक श्योर जो वीडियो है आप एंड तक देखें। किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर पूछ सकते हैं। सो गाइज बिना इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब बटन पे दबाना ना भूलें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे दबा देंगे उसके बाद आपके पास एक बेल आइकन आएगा और उसे भी दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने कब नई वीडियोस डाली हैं। सो गाइज आज जो है हमारे पास यहाँ पे स्विफ्ट रहने वाली है ना, आप देख सकते हैं कि स्विफ्ट कितनी ज्यादा अमेजिंग है। गाइज मैं इस गाड़ी से बताऊंगा कि मेरे को इस गाड़ी से अटैचमेंट इसलिए है, नॉट स्पेसिफिकली दिस कार बट स्विफ्ट के इस मॉडल से अटैचमेंट इसलिए बिकॉज ये जो गाड़ी है मेरे को इतनी ज्यादा पसंद है। पर्सनली मेरी रिट्स के बाद किस दिन आपको देखने को मिलेगा कि स्विफ्ट भी मैं लेके आ रहा हूँ। थर्ड गाड़ी मेरी स्विफ्ट रहेगी, शायद इस ईयर में ही ले आऊँ, बट मैं स्विफ्ट जरूर लेके आऊंगा बिकॉज मेरे को पर्सनली ऐसी मॉडिफाई करानी है। गाइज यहाँ पे इस गाड़ी की खासियत ये है, भाई की गाड़ी है, भाई ओनर वहाँ पे खड़े, भाई का भी इंटरव्यू ले लेंगे अभी। इस गाड़ी की खासियत ये है कि गाड़ी बहुत ही कम चीज़ों से मॉडिफाई करी गई, यानी कि बेसिक चीज़ें लगाई गई है गाड़ी में। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो कई सारी चीज़ें लगा लेते हैं गाड़ी में, बट यहाँ पे जो है भाई ने सिर्फ बेसिक सी चीज़ें लगा रखी है। तो बाहर के अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो आपको खुद भी नोटिस आ रहा होगा, बट सबसे बड़ा जो चेंज है यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स दिख रहे होंगे, आप अलॉय व्हील्स देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली। तो ये इनक्यूबस के अलॉय व्हील्स रहने वाले हैं, R16 के हैं ये अलॉय व्हील्स रहने वाले। आपको कैसे लग रहे हैं आप मुझे बताइए। ऐसे ही जो चारों अलॉय व्हील्स हैं, मैं इन अलॉय व्हील्स की खासियत बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो गाड़ियां हैं उनसे थोड़े थोड़े बाहर निकल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ये थोड़े थोड़े बाहर जो है अलॉय व्हील्स निकल रहे हैं। अगर मैं पूरी देसी भाषा में बात करूँ, देसी लैंग्वेज में करूँ, तो जब पीछे से भी गाड़ी चलती है तब भी ऐसा ही सीन होता है कि जो अलॉय व्हील्स हैं वो बाहर निकले हुए होते हैं थोड़े से, जिसकी वजह से जो गाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा मस्क्यूलर लगती है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ अलॉय व्हील्स रहने वाले हैं। उसी तरह से अगर मैं आपको साइड पोज दिखा दूँ इस गाड़ी के, तो आपको साइड पोज से दिख जाएगा गाड़ी जो है कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। मुझसे पूछा जाए तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे को, बिकॉज बहुत कम इसमें जो है मॉडिफिकेशन भाई ने कराई है। उसके बाद बात करूँगा इसमें यहाँ पे DRL जो इसमें लगाए गए, आप देख सकते हो DRL जो है। मोहित भैया एक बार DRL ऑन करो ना। तो गाइज यहाँ पे जो फॉग लैंप हाउसिंग है उसमें यहाँ पे DRLs की इंस्टॉलेशन कर रखी है। तो बेसिकली ये पूरा ऐसा आता है, भाई ने जला दिया, आप देख सकते हैं कि जलने के बाद जो है ये वाइट हो जाते हैं। और अगर मैं आपको थोड़े आगे की दिखाऊं, अगर मैं थोड़ा आगे से आपको दिखाऊं तो गाड़ी गाइज कुछ ऐसी रहने वाली है। यहाँ से आप देख सकते हो कि DRLs जलने के बाद कैसी लग रही है। एंड ओमकार एसेसरीज पे है जो सारा काम हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं सारा का सारा जो है इसमें वाइट कलर की जो लाइट्स इंस्टॉल करवा रखी हैं। नीचे जो है DRLs हैं, ऐसे कुछ हैं चेंजेस गाइज बाहर से आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर गाइज हम लोग पीछे की तरफ चलते हैं अब गाड़ी के, तो पीछे जो है आपको यहाँ पे एक सिंपल चीज़ दिखेगी, यहाँ पे जो गाड़ी में है स्पॉयलर इंस्टॉल कर रखा है, पीछे स्पॉयलर जो है पीछे लगवा रखा है गाड़ी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पॉयलर की इंस्टॉलेशन जो है गाड़ी में कर रखी है। और यहाँ से आप गाइस देख सकते हैं कि पीछे से भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है गाड़ी के। वहीं पर अगर मैं अलॉय व्हील्स की बात करूँ तो आप साइड से देख सकते हो कि अलॉय व्हील्स जो है काफी ज्यादा वाइड हैं, जिसकी वजह से गाड़ी जो है काफी ज्यादा मस्कुलर लगती है। एंड ऐसे कुछ लुक्स हैं जो आपको पीछे देखने को मिलेंगे गाड़ी में। वहीं पर गाइस मैं बात करूँ यहाँ पे कैमरा की, तो गाड़ी में कैमरा की इंस्टॉलेशन भी करी गई है। उसी के साथ साथ नीचे भाई ने एक ब्रेकिंग केबल लगा रखा है, मेरे सबसे भी नहीं जल रहा, मैं पूछ लूंगा भाई से। ऐसी थी गाइस कुछ गाड़ी जो बाहर से थी, उसके बाद अगर आपने नोटिस किया होगा जला के दिया। सो गाइज यहाँ पे जो है गाड़ी का आपको थोड़ा सा ब्लैक नोटिस करने में आ रहा होगा। यहाँ पे जो है इंटीरियर, चूंकि गाड़ी के एकदम ब्लैक है अंदर से, इसलिए कुछ ऐसे देखने को मिल रहे हैं आपको, तो गाड़ी जो है पूरी ब्लैक दिखती है बाहर से। वहीं पे गाइज मैं बात करूँगा ऊपर की, तो यहाँ पे LED की इंस्टॉलेशन कर रखी है गाड़ी में, जिसकी जो ब्राइटनेस है काफ़ी ज़्यादा है, कम मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा जो ब्राइटनेस है वो LED की है, तो इस भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। एंड रात को मैं भाई से पूछूंगा, भाई रात को सही दिखता है इसमें रोशनी एकदम परफेक्ट है ना? तो भाई बता रहे हैं कि जो रोशनी है गाड़ी की वो भी परफेक्ट है। और अच्छा भाई एक चीज़ पूछनी है कि चूंकि अब जो टायर है वाइड हो चुके हैं, इसके बाद जो गाड़ी का पावर स्टेयरिंग है उसमें 19-20 का फर्क नहीं महसूस होता? नहीं। थोड़ी टाइटनेस मेरे को कंपैरेटिवली नहीं लगी, चलाने चलाते आदत पड़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। और मेजर ऐसा मेजर फर्क नहीं, क्योंकि देखो लुक्स ऐसी चीज है जिसके लिए हम एग्जैक्टली कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। फर्क ऐसा 19 या 20 से ऊपर का फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। अच्छा हमारा सिस्टम का
करने वाला दिन। आउटपुट भी सुनाते हैं थोड़ी देर में। एक चीज बताओ कि जैसे ही 100 से ऊपर जाती है गाड़ी वॉबलिंग जैसा कुछ इशू नहीं आता? नहीं आता ना, एकदम सही चलती है। तो ऐसा कोई इशू नहीं आता। सो गाइस भाई बता रहे कि ऐसा कोई इशू नहीं आता। उसके बाद वहीं पे मैं अंदर की तरफ चलूंगा तो आपको गाड़ी के इंटीरियर्स गाइस अब दिखाता हूं। इंटीरियर आप देखेंगे तो जो गाड़ी है काफी ज्यादा मेंटेन्ड है, और यहाँ से आप देख सकते हो गाड़ी का जो है ऑल ब्लैक पूरा इंटीरियर रहने वाला है। यहाँ पे जो ट्विटर्स की इंस्टॉलेशन करी गई, पाइनर्स के ट्विटर हैं यहाँ पे भी ट्विटर्स की इंस्टॉलेशन करी गई है, और जो गाड़ी है काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है। पाइनर का जो है बीच में इंफोटेनमेंट डिस्प्ले लगाया गया, यहाँ पे भाई ने सुपरमैन का एक छल्ला टंगा रखा है, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अपने अपने शौक है भाई, लगता है सुपरमैन के फैन है। उसके बाद बीच में भी सुपरमैन का यहाँ पे लगा रखा है, और उसी के बाद अगर मैं यहाँ पे पिलर्स की बात करूँ तो आप पिलर्स देख सकते हैं। पिलर्स भी जो है ब्लैक इंटीरियर में पूरे लगाए गए हैं, उन पर ब्लैक इंटीरियर करा गया है, काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहे हैं नो डाउट। वहीं पर डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे जो है थोड़ी ये उतर रही है, मे बी शायद गर्मी की वजह से उतर रही है, आई डोंट नो किस वजह से उतर रही है, थोड़ा सा जो है उतर रहा है वो नेग्लिजिबल है। उसके बाद गाइस अभी मैं सीट कवर की बात करूं तो आप सीट कवर्स देख सकते हैं गाड़ी के कितने ज्यादा जो है पूरा भाई ने ऑल ब्लैक जो इंटीरियर रखा है, और जैसा कि अंदाजा लगे गया था कि अंदर जो है व्हाइट कलर की जो लाइट है उसकी इंस्टॉलेशन हो रखी होगी तो वही हो रखी है। एनीवेज मैंने गाइस जला दी, इससे आपको ज्यादा अच्छा अंदाजा लग जाएगा गाड़ी जो है कैसी लग रही है। यहां से आप सीट कवर्स देख सकते हैं, सीट कवर्स भी जो है गाड़ी के काफी ज्यादा अमेजिंग है नो डाउट। गाइस चूंकि ये गाड़ी पूरी ब्लैक है तो जब ये हम इसे बंद कर देते हैं तो गाड़ी में जो है काफी अच्छी फील आती है, काफी अच्छी फील आती है अंदर बैठने के बाद, क्योंकि पूरा जो ब्लैक है बाहर की रोशनी पूरी कट ऑफ हो जाती है। हालांकि भाई ने जो है छत रैप नहीं कराई अभी तक, मैं लाइट बंद कर देता हूं एक बार, जो भाई ने छत रैप नहीं कराई है, सॉरी छत में रूफ ब्लैक नहीं कराई अभी तक, वो भाई की पर्सनल चॉइस है, करवाते हैं नहीं करवाते हैं। पिलर्स अगर आपको यहाँ पे दिखेंगे, इधर के जो पिलर्स हैं ये भी ब्लैक कर दिए गए, आगे वाले पिलर्स हैं वो भी ब्लैक कर दिए गए, ये कर दिए गए एंड ऐसा कुछ है। तो कुल मिला के जो गाड़ी है वहां पे आपको कहीं पे भी और कुछ देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि सिर्फ ये जो है ये थोड़ा सा पार्ट आपको सिल्वर कलर में देखने को मिल रहा है, ये है ये थोड़ा सिल्वर कलर में देखने को मिल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। गाइस मैं इस गाड़ी को मेरा मेन फीचर करने का एक ही मतलब था कि कई जो लोग होते हैं उनको सिर्फ सिंपल गाड़ी पसंद आती है, तो सिंपल गाड़ी के तौर पर ये गाड़ी आप देख सकते हो कितनी ज्यादा जो है अमेजिंग है नो डाउट। बहुत ही कम इंटीरियर रखे गए हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट गाड़ी जो है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही है। सो गाइस भाई है गाड़ी के ओनर, भाई नाम क्या है अपना? सुशांत भाई का नाम है। तो भाई प्लीज आप एक बार ब्रीफ में मेरे को बता दीजिए कि क्या क्या चेंजेस हैं जो आपने गाड़ी में करवा रखे हैं। तो वेल 2017 मॉडल है। हाँ ठीक है, 2017 मॉडल है ये। एक्सटीरियर से शुरू करते हैं तो इसके अंदर 16 इंच अलॉय है, ठीक है, और 16 इंच सुपर वाइड टायर कैंडा के जो हमने लगते हैं करोल बाग से अपने नॉर्मली, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आगे आफ्टर मार्केट DRLs लगवाए हुए हैं, ठीक है, हैलोजन, ये आगे जो फॉग लैंप आते नहीं है, LDA मॉडल, बेसिकली LDA मॉडल बेस वेरिएंट था, ठीक है ठीक है। LDA मॉडल के अंदर फॉग लैंप बाहर से इंस्टॉल कराए हैं, ठीक है। हेडलाइट सेम रखी है मैंने, हेडलाइट में कोई चेंजेस नहीं करे, LED इंस्टॉल कराई हुई है दोनों में, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। उनका रिस्पॉन्स रात को ठीक आता है? काफी अच्छा, काफी अच्छा। पहले सस्ते वाला लगवाई थी लेकिन फिर पता चला कि थोड़ा और अच्छा ऑप्शन आता है 65 वाट में, ठीक है, फिर LED इंस्टॉल। तो आपको इनमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लगवाने की वैसा कुछ नहीं हुई रिक्वायरमेंट? एज ऑफ नाउ मेरे को रिक्वायरमेंट लगी नहीं, कुछ अच्छा ऑप्शन आएगा तो मैं जरूर करेंगे, जरूर, ठीक है। इसके अलावा पीछे एक आफ्टर मार्केट स्पॉइलर भी लगवाया, स्पॉइलर देखा है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर की तरफ आ जाइए। इंटीरियर के अंदर ये कस्टमाइज ब्लैक लेदर इंटीरियर है पूरा, सारे सीट कवर, ठीक है, जितने भी चारों पिलर हैं, ठीक है, ये बीच का सेंटर असेंबली जो है ये भी बाहर से कराई हुई, स्टीयरिंग कवर, ठीक है। इसके अलावा इस पे आते हैं म्यूजिक सिस्टम पे, तो ये पायनियर का MVS 299BT बेसिक हेडसेट ये है, ठीक है, 2 साल पुराना ही है, सब कुछ है इसके अंदर, CD/DVD छोड़कर ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ है। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो? एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड नहीं है, क्योंकि ठीक है ठीक है ठीक है। इसके अलावा स्पीकर्स में मेरे पास आगे पावर बेस के कंपोनेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे उन्हीं के ट्विटर जो साथ में मिलते हैं वो है, ठीक है। अलग से पायनियर TS20 भैया से लगवाया मैंने, ठीक है। उसके अलावा भैया का एक ड्रीम है, हाँ एक ड्रीम है भैया मेरा कि 7600 DSP 7600, मैं मेरा बेसिकली माइंड में है कि गाड़ी पूरी ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट बने, ठीक है, मतलब अभी जो आते हैं वैसा कुछ ना जो पहले आते हैं, जो पहला आता था, ठीक है। इसी के लिए मैंने ये पायनियर TS20 भी लगवाए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने पायनियर 2150 है, TS2150 हेलमेट वाले स्पीकर जिसे कहते थे, ठीक है ठीक है, लगवाए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक 4 चैनल का साउंड बैरियर एम्प है, ठीक है, जो नीचे रखा हुआ है, सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा एक अभी शिकागो कंपनी का मैंने मोनो एम्प लगवाया हुआ है विद बेस कंट्रोलर, ठीक है, ये भी रिसेंटली इंस्टॉल कंट्रोलर यहाँ पे नहीं, मैं धूप में बाहर खड़ी हो गाड़ी तब ऐसा कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है मटेरियल कैसा लगाया, ठीक है। ऐसा नहीं कहूंगा बहुत प्रीमियम लगवाया, बीच का लगवाया, कोई इशू नहीं आता, कोई इशू नहीं आता, कोई इशू नहीं आता।
तो गाइज आप देख सकते हैं भाई की जो गाड़ी है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही है, मैं बोलूंगा इंटीरियर काफी ज्यादा है। एंड मैं इस गाड़ी को ये बोलना चाहूंगा कि बहुत बेसिक काम कर रखा है बट बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है ना, ना ज्यादा तड़क भड़क है। और लोग कहते हैं अलॉय व्हील जब ये अच्छे लगेंगे जब आप मॉडिफिकेशन करोगे। हाँ, और भाई की गाड़ी में बाहर से कोई मॉडिफिकेशन नहीं है और गाड़ी इतनी सुंदर है जिसकी एक बार गाड़ी निकल जाए तो बंदा देखेगा हाँ भाई कोई गाड़ी गई है। सही बात है। अभी मैं किसी दिन मिलकर आया था वो कह रहा था भैया आप अपनी गाड़ी में अलॉय व्हील जब लगाओ पहले मॉडिफिकेशन करो। तो सुजान भाई कितना खर्चा कर लिया होगा आपने इसमें लगभग गाड़ी में पूरे में अभी आज तक? आज तक अलॉय वगैरह सिस्टम मिला के तो 1.5 लाख तो लगी गया, 1.5 लाख हो चुका है। बट क्योंकि ये बेस मॉडल था तो इतना करना बनता है ना, अगर ZDA भी लेता तब भी उसमें इतने फीचर नहीं मिलते, इतने फीचर नहीं, अलॉय व्हील जैसे नहीं आते, ये बेस नहीं आता, ये नहीं आता, सब कुछ है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, नहीं मिलता। इसके अलावा पीछे इन्फिनिटी सीरीज के डबल रेफरेंस वूफर है, मैंने वो दिखा दिया, एनक्लोजर लगा हुआ है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो मोहित भाई मैं तो इस गाड़ी को 10 out of 10 देना चाहूंगा बिकॉज स्विफ्ट से मेरा पर्सनल अटैचमेंट है, भाई ने काफी ज्यादा मेंटेन भी कर रखी है। हाँ, नहीं बोल सकता कि कोई 2017 मॉडल है। खासियत और है क्या भाई ने अपनी खासियत नहीं बताई? अगर इसकी गाड़ी गंदी हो जाए तो अगली रेड लाइट पे जाके उतरते ही कपड़ा मार देता है गाड़ी को। ये आदत है भाई की। चलो अच्छी बात है, कोई और गाड़ी जितनी केयर से रखो उतना ही साथ देगी। लड़की और गाड़ी केयर से रखनी चाहिए। चलो चलिए, थैंक यू सुधांश भाई, आपकी गाड़ी काफी बढ़िया लगी एंड काफी ज्यादा अमेजिंग है नो डाउट। सो गाइस जैसा कि आपने देखा आज की जो वीडियो हमने इसमें दिखाया कि स्विफ्ट LDI थी, उसमें आगे भाई ने LED लगा रखी है, नीचे जो है DRLs विद फॉग लैंप हाउसिंग में DRL लगा रखी हैं और अलॉय व्हील्स हैं, काफ़ी ज़्यादा भयंकर लग रहे हैं। और उसके बाद जो पायनियर के 2150 स्पीकर्स हैं अमेजिंग है, इन्फिनिटी का आपने उसमें सबवूफर इंक्लोजर देखा होगा, सीट कवर्स देखे होंगे, ऊपर गाड़ी पूरी देखी होगी। तो गाइस कुल मिला के बहुत ही बढ़िया सेटअप है गाड़ी का। कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताओ कि आपको कैसी लगी, मुझसे पूछा जाए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी, लगभग दिल आ गया मेरे इस गाड़ी पे। एंड गाइस आज की वीडियो से इतना ही था, उम्मीद करते हो पसंद आई, तो शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाय बाय एंड थैंक्स।